हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद बनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं गांव की शांति की। मैंने एक शॉट डाला था आपको, रिमिक्स वाला शॉट डाला था शांति के लिए कि मैं विद प्रूफ दूंगी। एक तो मैं चार साल से शांति जी को 30 से ऊपर देख ही नहीं रही हूँ। कुछ ऐसे हम लोग के मैं सब वो है इन्फ्लुएंसर्स हैं, यानी कि यूट्यूबर्स हैं, जो 30 से बढ़ते ही नहीं है आगे। जैसे कि आप गदी देख लीजिए, 31 साल से आगे वो बढ़ी नहीं रही है, जबकि उसके मम्मी पापा ने 91 उसका प्रूफ किया, वही 33-34 साल की है। तो बहुत दूर की बात बता रहे हैं। आप गदी को देख लीजिए, निधि को, और उसके बाद शांति को देख लीजिए। तो क्या आपको लगता है कि शांति निधि से छोटी होगी? नहीं। अब चलिए प्रूफ की बात करते हैं। हम आपको बताएं, हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ महीना पहले ये जो इन्फ्लुएंसर मीट करते हैं ना, तो उसमें सचिन मनीषा ने अपने घर में गृह प्रवेश की पार्टी रखी थी जिसमें इन सबको बुलाया था। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि सचिन जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में माहिर है, इसलिए वो इन सबको बुलाता ही बुलाता है। अब जब ये वहां पे गई थी तो इनको एक आदत है कि मैं सबसे अच्छे दिखूं, मैं सबसे अलग दिखूं, मेरे जैसा कोई ना दिखे, मेरे सुंदर कोई ना दिखे। तो ब्यूटीफुल ये है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, कम उम्र में शादी भी हुई थी, और डिफरेंसेस भी है इनके हस्बैंड एंड वाइफ में, तो सब में होता है, हम लोग में भी है, हमारे में भी है ज्यादा। तो बात वही है कि इनको ये आदत है कि मैं सबसे सुंदर दिखूं, मैं सबसे अच्छी दिखूं, मेरे से ज्यादा कोरियन ब्यूटी वाला कोई ना दिखे। तो इसलिए ये क्या कर रही, सबको पूछ रही थी, हाँ मैं खराब लग रही हूँ, मैं गंदी लग रही हूँ, जिससे कि अगला जो भी जिनसे भी ये पूछ रही है वो ऑब्वियसली वो सीधे तारीफ ही करेगा कि नहीं भाई आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, अजगू भी मेकअप भी की थी, सब चीज था। अब मैं बात इसलिए बता रही हूँ कि वहां पे जो है ये इनका मेकअप भी कोई ना कोई कर ही रहा था, तो वहां पे सिंदूर लगा रही थी ये साक्षी जो सावंत है उसको जो है ये सिंदूर लगा रही थी। तो साक्षी ने इनके पैर छुए थे और फिर साक्षी ने ये चीज कही थी इनसे, अगर आपके पास वाली वीडियो गृह प्रवेश वाली तो आप लोग देख लीजिएगा कॉल करके, कि मैं इसलिए इनके पैर छूती हूँ क्योंकि एक तो ये मुझसे उम्र में बड़ी है, ऊपर से ब्राह्मण भी है, इसलिए मैं इनके पैर छूती हूँ। तब इन्होंने रिप्लाई में कहा था कि हाँ साक्षी सावंत मेरी छोटी बहन है, मेरे से एज में छोटी है, मुझसे बहुत प्यार करती, ये चीज हुई है। अब आज भी मैंने वो वीडियो निकाल के देखी, आप भी देखा निकाल के देख लीजिएगा। अब बात करते हैं ट्विस्ट कहाँ तक है, क्योंकि अभी मैंने आपसे रिमिक्स में शेयर किया है कि ये बता रही हैं उनके पापा मेरे बहुत दुखी थे कि उनके 30 साल की बेटी इतने दुख में है, तो ये अपने को अभी भी 30 साल की बताती हैं। अब ट्विस्ट इसमें ये आया है कि पिछले साल साक्षी सावंत ने अपना 33वां बर्थडे मनाया है, जिसमें कि इन लोग ने यह रखा था कि उल्टा रखा जाएगा, जितने का बर्थडे उससे उल्टा नंबर रखा जाएगा, तो 23 नंबर शायद इन्होंने रखा था, तो उल्टा करके 32 था इस बार, इस साल वो 33 की हुई। तो जब वो 33 की हुई उनसे ये बड़ी है तो ये 30 किस साल की कैसे हो गई, सिर्फ आप लोग ये समझदार हैं। ये देखिए मैंने फोटो भी बर्थडे वाली लगाई है, पूरी वीडियो क्या ही लगाती, तो उस हिसाब से भी अगर आप लोग समझ लीजिए कि देखिए कहने में तो 40 साल से कम की नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज्यादा 40 न भी मानिए तो 36-37 से ही कम में नहीं है। लेकिन आजकल के यूट्यूबरों को ये बहुत बड़ी, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि जितना हो सके हम अपने को बहुत छोटा बताएं, दूसरों को बड़ा बताएं, अपने को अपनी उम्र जो है हम इतनी छुपा ले उतनी छुपा ले, झूठ बोल ले, पूरे झूठे वीडियो सांप दिख रहा है, ये दिख रहा है, एक बार सांप निकल आया है, लेकिन सांप का कंटेंट इनसे हटता ही नहीं है, हमको तो डर ही लगता है मैनिफेस्ट ना कर ले कि सांप सर पर बैठा हुआ है। बहुत सी चीजें हैं, बहुत से झूठ हैं जो कि हम लोग ने पकड़े हैं और इनके लिए डाले हैं, लेकिन ये इन सबको व्यूज चाहिए, और व्यूज के लिए इनको जब तक इस तरह की चीजें हरकतें ना करें तो इनको ये लगता है कि व्यूज आएंगे ही नहीं। एक ईमानदारी से व्लॉग बनाना, डेली अपना कंटेंट दिखाना, ये दिखाना वो दिखाना कभी हो ही नहीं सकता। जिस हिसाब से ये इनका रहन सहन है, जिस हिसाब अपने को सजा लेना बहुत आसान है, लेकिन कबाड़ की तरह घर पड़ा हुआ रहे, और उसके बाद उस पर भी देखे, सृष्टि आयुष इनके उनकी बेटी के बर्थडे पे गई थी, बड़ी लिपा पोती की थी, अभी मकान बन रहा है, बहुत लंबा मकान है, बड़ा मकान है, उसको ऑर्गेनाइज करना मुश्किल काम है, बहुत सी चीजें उसने लिपा पोती बटरिंग की थी, कवर अप करने की कोशिश की थी, लेकिन हो नहीं पाया था। नीचे कमेंट सेक्शन में लोगों ने उतने ही चीजें बोलनी चालू कर दी थी, सामने लानी चालू कर दी। आई होप आप लोग के समझ में आ ही गया होगा
वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। आज ही मिलते हैं आपसे। इनडायरेक्टली आप लोग को साइन देती रहती हैं, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं है कि मेरे घुटने में दर्द है, मेरी आंखों में दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहां दर्द है। तो एजिंग की निशानी है, जैसे अब हम लोग की भी एज हो रही है तो मेरे हम बताते ही हैं शोल्डर में दर्द है, यहाँ है, वो है, तो वही चीजें इनके साथ भी स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी बहुत लोगों को छोड़िए,